बांके बिहारी मंदिर में भक्तमय मौत पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने जताया दुख, अधिकारियों को दिए निर्देश। आज से 2 दिवसीय हिमाचल दौरे पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, विधानसभा चुनाव की रणनीति पर करेंगे मंथन। देहरादून में बादल फटने से भारी तबाही, जलभराव से बाढ़ जैसे हालात, सौंग नदी का पुल टूटा। मुंबई में दही हांडी उत्सव के दौरान इस साल 111 गोविंदा हुए घायल, 23 को अस्पताल में कराना पड़ा भर्ती। अगले महीने भारत आ सकती है बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना, व्यापार सुरक्षा के मुद्दे पर चर्चा तय। बंगाल की खाड़ी में नाव डूबने से 18 मछुआरे हुए लापता, अभी तक नहीं मिली कोई खबर, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। मुख्तार अंसारी पर ईडी की छापेमारी के बाद बड़ा एक्शन, 100 से अधिक बेमानी संपत्तियों के दस्तावेज बरामद। ओम प्रकाश राजवर जी मुख्तार अंसारी पर हो रही कार्रवाई को राजनीतिक से प्रेरित बताया, सुबह सपा विधायक अब्बास अंसारी का भी बचाव किया। राहुल गांधी के वायनाड ऑफिस में तोड़फोड़ के केस में 2 कांग्रेस कार्यकर्ता गिरफ्तार, पार्टी ने लगाया आरोप। एमपी में ब्राह्मणों पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले प्रीतम लोधी बीजेपी से निष्कासित। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।